हेलो दोस्तों नमस्कार मैं राहुल कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मेरा बगीचा में दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही खास बनने वाली है क्योंकि आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें पौधों के लिए मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ दोस्तों आप मेरे सामने ये जो देख रहे हैं यह जो है कि टोटल गोबर की खाद है और इसको जो है फावड़े से मैं मिक्स कर लेता हूँ मिक्स इसलिए करता हूँ ताकि जो है कि यह डिकम्पोस्ट होने के बाद थोड़े से रोड़ीदार हो गई है एक थक्का जम गया है गोबर का उसको जो है बारीक कर लेता हूँ ये पूरी तरीके से जो है कि डिकम्पोस्ट हो गई है अब थोड़ा सा बारीक करने के बाद इसमें क्या करेंगे हम कि फंगिसाइड पाउडर डालते हैं फंगसाइड पाउडर देखिए ये जो है कि फंगसाइड पाउडर है इसका प्रयोग इस गोबर की खाद में यूज़ किया जाता है इसलिए ताकि इसमें कोई कीट वगैरह ना लगे कोई फंगस वगैरह ना लगे जिस प्लांट में हम इस मिट्टी को यूज़ करेंगे तो आप इस पैकेट को लेकर के छोटा सा पैकेट है बीस रुपये का मार्केट में मिलता है इस तरीके से फंगसाइड पाउडर को आप जो है गोबर के खाद के ऊपर छिड़क दीजिएगा और इसमें हम फंगेसाइड पाउडर को मिक्स करने के बाद मिट्टी को भी मिक्स करते हैं और मिट्टी को मिक्स करने के बाद उसको उसके बाद बराबर बराबर इस मिश्रण को तैयार कर लेते हैं मतलब कि मिला लेते हैं मैं ये फावड़े से अच्छे तरीके से जो है कि इसको फेंट लेता हूँ ताकि ये जो फंगसाइड पाउडर मैंने यूज़ किया है इस गोबर की खाद में वो अच्छी तरीके से इसमें मिल जाए दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबी बनने वाली है नहीं इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है उन प्लांट लवर के लिए जो अपने प्लांट्स के लिए मिट्टी को या फिर गोबर की खाद को तैयार करते हैं अब फाइनली क्या करते हैं कि इस तरीके से गोबर की खाद में फंगसाइड को मिलाने के बाद अब इसमें थोड़ा सा लगभग चालीस परसेंट तक हम इसमें सॉयल यूज करेंगे और उसमें उस सॉयल उस में थोड़ा सा मैंने पहले से बालू वाली मिट्टी है वो तो उसको भी मिक्स कर लिया है इसमें देखिए इस तरीके से मिक्स करके हम गोबर की खाद में इसको मिक्स कर लेंगे अब ये जो है कि बहुत ही उच्च क्षमता वाला ये जो है कंपोस्ट बन के तैयार हो चुका है मैं यह जो है कि यूज़ करूँगा एक पेड़ लगाना है आम का उस पेड़ में जो है कि इस मिट्टी को यूज़ करूँगा अगर आप चाहते हैं कि फूल पौधों में भी तो इस तरीके से आप मिक्सचर को तैयार कर सकते हैं और काफ़ी जो है कि बढ़िया ये खाद और मिट्टी दोनों जो है कि काफ़ी अच्छी तरीके से ये तैयार हो चुकी है मैं एक आम का पेड़ है उसमें लगाऊंगा इस मिट्टी को उससे पहले मैं इसमें थोड़ा सा फंगेसाइड पाउडर और मिट्टी इन दोनों का मिश्रण बना करके एकदम अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लिया है मिक्स करने के बाद ये फ़ाइनल इस तरीके से हमारी मिट्टी भुर भुरी और काफ़ी अच्छी तैयार हो चुकी होगी दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ढेर सारी वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए अलग अलग वीडियो बना के ला सकूँ थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए